आखिरकार सई के सामने विराट का ऐसा कौन सा सच आया है जिसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। सत्या के हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद सई पहुंची है चव्हाण निवास। वहां पर उसने एक नोटिस थमा दिया है। अंबा को लगता है कि उसके बेटे सत्या की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विराट है। हम आपको बता दें कि सई इस बात पर विश्वास तो नहीं कर रही थी, लेकिन अंबा की जिद पर सई पहुंची है चव्हाण निवास। लेकिन वहां जाने के बाद उसे कुछ ऐसा पता चला जिसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। आप जानते ही हैं कि अवार्ड फंक्शन से विराट और सत्या एक साथ निकले थे। हालांकि रास्ते में ऐसा क्या हुआ, इस राज को कोई भी नहीं जानता। जानता है तो सिर्फ ये कि आज सत्या हॉस्पिटल में एडमिट है और विराट गायब। उन चंद घंटों में क्या हुआ, इन दोनों के ऊपर हमला हुआ किस तरीके से, ये नौबत आई कि सत्या के सर पर चोट है और हड्डियां टूटी हुई हैं। अंबा को लगता है कि ये सब कुछ विराट की चाल है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। तो जब सई नोटिस देने के लिए चव्हाण निवास जाती है, उससे थोड़ी देर पहले ही चव्हाण निवास में एक फ़ोन आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें विराट नदी में डूबा हुआ मिला है। तो हम आपको बताएं कि आखिरकार हुआ क्या। जब ये दोनों नशे की हालत में निकले, सुनसान रास्ते पर इन्होंने अपनी गाड़ी जो है खाई में गिरा दी। वहाँ पर नीचे पानी भी था। विराट ने सूझबूझ से सत्या को तो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकाल दिया, लेकिन वो खुद डूब चुका है और अब विराट की जान पर बन आई है। जहाँ सत्या एक तरफ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं विराट की भी सिचुएशन ऐसी ही है। और जब सई चव्हाण निवास पहुंचती है, तब उसे ये सारी बातें पता चलती है। हालांकि सत्या फिलहाल बेहोश है। ऐसे में लगातार जो माँ है सत्या की, उसे यही लगता है कि ये सब कुछ विराट ने ही किया है। लेकिन सत्या जैसे ही होश में आएगा, वो ये पूरा सच बताएगा कि किस तरीके से आज अगर उसकी जान बच पाई है तो सिर्फ और सिर्फ विराट की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या सई को इस बात को लेकर शर्मिंदगी होगी कि उसने भी विराट पर शक किया, जबकि ये वही विराट है जिसने सत्या को बचाया है। देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में किस तरीके से अब ये ट्विस्ट दिखाया जाता है। लेकिन फिलहाल सई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि विराट और सत्या जल्दी होश में आ जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।